आपको बता दें कि तहसील दिवस पर आज भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल अध्यक्ष मनरूप सिंह परिहार ने बताया कि कई बार हम लोग किसानों की समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, मगर अभी तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। शासन के द्वारा जो गौशालाओं का पैसा आता है उससे संबंधित अधिकारियों के द्वारा बंदरबाड़ कर दिया जाता है, जिसकी कई बार हम लोगों ने शिकायत की, मगर अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सब लोग क्रमिक अनशन करेंगे। जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हमारा अनशन चलता रहेगा। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैं आपका सर, मेरा राम नारायण शुक्ला नाम है, मैं ग्राम पंचायत अछरौर से, हम लोग हमारे साथ सभी किसान भाई आए हुए हैं। आप तहसील दिवस पर किस समस्या को लेकर आए, क्या समस्या है मुख्य आपकी? हमारी मुख्य समस्या है, हम आज जो संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए हैं, हमारी ये समस्या है कि हमारी ग्राम पंचायत में एक गौशाला का निर्माण है जिसमें लगभग 210 जानवर भरे हुए हैं। उन जानवरों की चारा भूसा की व्यवस्था एवं उसमें कर्मचारी की व्यवस्था विगत 3 माह से हमारे किसान भाई चंदे की राशि से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये इस राशि का व्यय जो है शासन प्रशासन के द्वारा आर्थिक सहायता हमारे गौवंश गौशाला के लिए प्राप्त ने 7,80,00,000 रुपए का बजट दिया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, हम इस बारे में ये कहेंगे कि चाहे 7,80,00,000 नहीं, चाहे 10 करोड़ राशि दे दे, लेकिन जब तक हमारे गौशाला में या हमारे किसान भाइयों की जो गौशाला खुले हुए हैं उनमें राशि नहीं आती, तब तक तो हम यही कहेंगे कि इस राशि का कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रहा है। इस राशि को सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि इस राशि का कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रहा है। चाहे सरकार शासन प्रशासन में बैठे हुए उच्च भ्रष्टाचार लिप्त उच्च अधिकारी इस राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। अब क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं कि साहब हमारी जो गौशाला बनी हुई है उसमें चारे भूसे और कर्मचारी की नियुक्ति शासन प्रशासन के द्वारा हो जाए, तो हमारे ये किसान भाई जिनके पास दो जून की रोटियां नहीं है, यदि सुबह के लिए रोटी है तो शाम के लिए हमारे सारे किसान भाई हैं वो चंदे की राशि से चला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि ये राशि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा या अवगत कराना चाहूँगा कि इस राशि को हमारे आपकी मनसानुरूप जो आपकी शासन की मनसानुरूप आपने गौशालाओं का निर्माण करवाया है, जगह जगह गौशालाएं खुलवाई हैं, उसके अनुसार हमारे ग्राम पंचायत में हमारी गौशाला में जो है आर्थिक सहायता प्राप्त हो, जिससे अनवरत चालू रह सके, हमारा गौशाला अनवरत चालू रह सके और उसमें चारा भूसा और कर्मचारी की नियुक्ति हो सके।